हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे मैकेनिकल फाइन स्किन और बेल्ट कन्वेयर का कनेक्शन वायरिंग कैसे किया गया है, और इस पैनल को भी देखेंगे कि ऑटो में और मैनुअल में कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका टाइमिंग कैसे सेट करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर आपको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में दिख जाएगा, और आपको जहाँ पे भी मान लीजिए कि कचड़े को फिल्टर करना रहता है, मीन चाहते हैं कि ऐसे कचड़ा जैसे आपको दिख रहा है वो आप पानी जहाँ से ले रहे हैं या जो भी मटेरियल ले रहे हैं उसके अंदर ना जाए, वहाँ पे फाइन स्क्रीन लगाना पड़ता है और बेल्ट कन्वेयर भी लगाना पड़ता है। इसका वर्किंग कैसे है ये सब आपको दिखाऊँगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसमें पैनल को सब देखना बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल फाइन स्किन को आप जो फिटिंग आसानी से भी कर सकते हैं, पर इसका वायरिंग बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पे तो आपको ये बेल्ट कन्वेयर के लिए मोटर है, तो इसका पावर वायरिंग तो आप कर सकते हैं आसानी से, तो ये नहीं बताऊँगा। और यहाँ पर आपको जो है फाइन स्क्रीन, मैकेनिकल फाइन स्क्रीन का मोटर्स है, ठीक है, वो आप वहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं। मैं जो बताने वाला हूँ वो है अभी इसको पैनल को, ठीक है, कि पैनल में क्या दिया रहता है, इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, कंट्रोल वायरिंग कैसे किया गया है। मैं इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख रहिएगा, और इसमें टाइमिंग सेट कैसे किया गया है ये भी आपको बताऊँगा, क्योंकि मेन टाइमर सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत लोगों को वो चीज़ें नहीं आती है। देखिए, आप इसका दो तरीके से टाइमिंग सेट होता है। अगर आपके पैनल में PLC है तो PLC के थ्रू सेट कर सकते हैं, वो फ्लो के ऊपर रहता है कि अगर आपके पास फ्लो है तो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप भी होगा। अगर आपके पास मान लीजिए PLC नहीं है और सिर्फ आपका टाइमर लगाया गया है, तो उस टाइमर की सेटिंग कैसे किया जाएगा ये इम्पोर्टेंट है। PLC का तो टाइमिंग सेटिंग नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन इसमें आपको इसका टाइमर सेटिंग कैसे करते हैं ये ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं इस पैनल से। देखिए, यहाँ पे दो आपको बटन्स दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये है इमरजेंसी पुश बटन, जो एक स्क्रीन का है और एक कन्वेयर का है। इसको इमरजेंसी लगा देते हैं तो आप के किसी भी कंडीशन में बेल्ट कन्वेयर और स्क्रीन ये ऑपरेट नहीं होगा, तो इसलिए इस चीज़ों को बाहर दिया गया है। यहाँ पे कांच लगा रहता है जो यहाँ पे गिर चुका है, तो इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत पुराना प्लांट है, इसको रिपेयरिंग किया गया है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया गया है, मैंने किया है, तो उस चीज़ों को अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ढक्कन खोलेंगे तो इसके अंदर में रहता है ऑप्शन दिया रहता है, देखिए इनकमिंग का आपको RYB, यहाँ पे स्क्रीन का आपको दिया है कि अगर ऑन रहेगा तो ये चलेगा, ओवरलोड का इंडिकेशन आएगा तो ये, और हाई टॉर्क होगा तो आएगा। इसमें आपको तीनों कंडीशन दिया गया है, आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, स्क्रीन को स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मैनुअल और ऑटो में डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है अगर ऑटो में डालेंगे तो टाइमिंग जो सेट किए रहेंगे उसके ऊपर चलेगा, और वही मस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और वैसा ही आपको कन्वेयर का भी दिया गया है, ये मेन सप्लाई है, अगर यहाँ से ऑफ कर देंगे तो सारे सप्लाई बंद हो जाएगी, और ऑन है तो सारे जगह पे सप्लाई मिलती रहेगी। अब इस चीज़ों को ओपन करता हूँ मैं और इसके अंदर को देख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको जो आपको ये दिख रहा है पॉइंट, ये है हमारे पास फ्यूज लगा हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही, अब आई क्लियरिटी, ठीक है। तो ये हमारा है फ्यूज जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये और ए है MCB, ठीक है, और ये स्टार्टर है। तो ये देखिए, इस स्टार्टर में एक इम्पोर्टेंट बात है आपको बताता हूँ, जो बहुत लोग हैं जो इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, अगर ये ऑन लिखा है और ये स्टॉप लिखा है, इस कंडीशन में अगर हो गया ये स्टॉप, आप कितना भी पुश बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कितना भी पुश बटन को प्रेस करेंगे ये नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए, ये स्क्रीन का दबा रहा हूँ तो स्क्रीन चला, स्क्रीन चलने लगा, देखिए वो स्टॉप बटन दबाने के बाद भी, तब इसी को अभी क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब क्या है, कन्वेयर को देखिए स्टार्ट करेंगे,
ये कन्वेयर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत कम जगह पे मिलता है, मीन्स ये क्या है, कन्वेयर के लिए दिया गया है। अगर आप यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं तो इस कंडीशन में आप बाहर कुछ भी करते रहेंगे नहीं चलेगा। अब देखिए, अभी मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, देखिए स्टार्ट हो गया। अब इस चीज़ों को, कन्वेयर को मैं अब चालू करूँगा तो उसी सेम कंडीशन में ये कन्वेयर अब स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे चलना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके साथ हो तो ये आप पैनल की छेड़खानी मत करिएगा बिल्कुल भी, आप वायरिंग की छेड़खानी मत करिएगा, इस चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक है। इसमें भी किस एम्पियर सेटिंग का दिया गया है कि कितना एम्पियर तक आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं करेंट यहाँ पर सेटिंग किया जाता है, जैसे ओवरलोड में सेटिंग किया जाता है वैसा ही है थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ों को आपको समझिए, ये MCB दिया है जो आपको कंट्रोल वायरिंग के लिए दिया गया है, आपको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है कि किसके लिए प्रोटेक्शन है, इसका ड्राइंग में आपको समझाऊंगा तो वो क्लियर ज़्यादा समझ में आएगी। इस टाइम वायर बहुत ज़्यादा है तो अगर आपको कंट्रोल वायरिंग समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको कंट्रोल वायरिंग नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और टाइमर को सेटिंग का बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद से ये कंटेक्टर है, आप कंटेक्टर को तो जानते ही, यहाँ पे हमारे पास मोटर है तो DOL स्टार्टर होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी कि 3 फेज है तो आपको एक ये स्टार्टर हो गया और दूसरा स्टार्टर ये हो गया, ठीक है। इसमें टाइमर भी है, ठीक है। पहले आपको एक चीज़ें दिखाता हूँ, ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे, अगेन एंड अगेन, ये किस कंडीशन में दे रहा है, ओके ओवेल है ओवरलोड का, अगर ओवरलोड हो जाएगा तो ये नीचे वाला है वो इंडिकेट करने लगेगा, ये इंडिकेटर है। और मस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ये यहाँ पे टाइमर, इसी टाइमर के हिसाब से हमारा बेल्ट कन्वेयर और स्क्रीन चलने वाला है कि कितना देर तक स्टार्ट रहेगा और कितने देर तक स्टॉप रहेगा, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है इस पैनल में, ठीक है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर भी इसके लिए सेपरेट दिया गया है, ठीक है, कि ताकि इसके अलावा मीन्स मैं पैनल मेन पैनल से ना लेकर यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर लूँ, ये बेटर रहता है, ये फ्लक्चुएट नहीं करता है वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर टाइमर सेट करने के लिए देखिए, बहुत ही आसान है, मैं इस वीडियो में इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें भी आपको टाइमिंग सेटिंग पर बताया हूँ और इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बारीकी से जानना होगा तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अभी आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ऑन दिया है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो पॉइंट कुछ दिया है, मीन्स 0 यहाँ पे 0.5 और 1 जैसे पॉइंट है, और यहाँ पे जो दिया है मिनट कर करके दिया है, तो आपको मिनट को करने के लिए आप कितने देर तक इसको, मतलब कितने देर बाद से ऑन करना चाहते हैं यहाँ पे सेटिंग कर सकेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपके घूमेगा, ये आपके पास ऑप्शन है 60 मिनट और यहाँ पे घुमाएं 30 मिनट, यहाँ पे घुमाएं तो 6 मिनट, आप जैसे सेटिंग करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से नीचे दिया है ऑफ और यहाँ पे ये कंडीशन दिया है, ऑफ का भी दिया है पॉइंट, इसका भी मतलब बताता हूँ। इससे पहले ये देख रहे हैं ऐसे ही मिनट है, इसमें कितना मिनट आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, मैं 3 मिनट तक सेटिंग कर रहा हूँ। ऑफ का परसेंटेज जो ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये होता है कि आप कितना, मतलब 100% लेना चाहते हैं या 50% जो टाइमिंग सेट कर रहे हैं, यानी कि 3 मिनट है यहाँ पे, अगर 0.5 पे कर देंगे यानी कि इसका 50% करेगा, मतलब वो ऑन रहेगा, यानी कि 1 मिनट 30 सेकेंड तक ही ऑन रहेगा। तो ये आप देख लिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका कंट्रोल वायरिंग के लिए मैं जल्द ही आपको लाने वाला हूँ, जो ड्राइंग पे समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।